जय श्री कृष्णा मोटा भाई। पहुंच गई मैं गुजरात में हूँ। गुजराती में क्या बोलते हैं? गुजरात में छू। माँ गुजरात में छू। अरे तू गुजरात में छू। हूँ गुजरात माछू। सो गुजरात टूरिज्म कॉल्ड अस फ्रॉम आवर रिस्पेक्टिव सिटीज टू डायरेक्टली टेक अस फ्रॉम द एयरपोर्ट टू अ प्लेस वेयर दे से डायनासोर्स वंस लिव्ड। ये क्या गजब मजाक है। तुम लोगों ने इंडिया में जुरासिक पार्क सुना है? मैं दिखाती हूँ, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी। रियोली पार्क में हम लोग आए हैं, डायनासोर फॉसिल पार्क में। अभी हम लोग एक्चुअली डायनासोर म्यूजियम में खड़े हैं, बट यहाँ पे फॉसिल पार्क भी है जहाँ पे एक्चुअली मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो डायनासोर्स आते थे, हैचिंग के लिए आते थे। और दिस वॉज द साइट इन गुजरात वेयर इन इंडिया डायनासोर्स एक्चुअली यूज्ड टू लिव। Let us step into the world of the Middle Age of Earth. साइट पे 1981 में कैन यू इमेजिन फॉसिल्स डिस्कवर करे गए थे बाय सम जियोलॉजिस्ट, और 67 मिलियन ईयर्स पहले यहाँ पे डायनासोर रहते थे। डायनासोर नु साम्राज्य रायोली आपनु अभिवादन करे छे। ड्रामेटिक शो रील चल रहा है वहाँ पे, वो बता रहे हैं कि डायनासोर क्या है, कहाँ से आए थे, फॉसिल्स क्या है। तो ऐसी कुछ स्टार्टिंग हुई थी यहाँ पे जो हम लोग एंटर कर रहे थे। 1997 में फॉसिल्स ढूंढे और स्केलेटन बनाया, तब पता चला कि एक नई प्रजाति है और नाम दिया रयोली सोरस गुजरातेंसिस। तो रयोली विलेज का नाम है। रायोली बाय द वे थर्ड लार्जेस्ट एक्सकेवेशन साइट है वर्ल्ड में डायनासोर के फॉसिल्स के लिए। दैट्स एन अमेजिंग फैक्ट एंड दैट टू फॉर इंडिया। अभी ये खस्ता खेलता है डायनासोर का परिवार ग्रेवयार्ड कैसे बन गया? हुआ क्या था? मिलियंस ऑफ इयर्स अगो एक एस्ट्रॉयड आके गिरा था अर्थ पे, बॉम्बे की साइड पे, डेकन वॉल्केनो। उस एस्ट्रॉयड के गिरने की वजह से उसकी शुरुआत हुई। लावा गिरते हुए आया थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स तक, एंड लावा गिरने की वजह से यहाँ इन गुजरात सुनामी पहुँच गई। सब एनवायरमेंटल इफेक्ट्स की वजह से डायनासोर्स का जो खस्ता खेलता परिवार था वो एक्सटिंक्ट हो गया। छोटा नहीं है पार्क का जो एरिया है, 72 हेक्टर्स एरिया है, और 72 हेक्टर्स एरिया में लगभग जगह पर आप खुदाई करो तो बॉन्स अंडर ऑफ द स्टोन भी मिलते हैं, अंडर ऑफ द लैंड भी मिलते हैं। तो हमारे लोकल गाइड के कहने का मतलब है कि ये पूरा पार्क डायनासोर का ग्रेवयार्ड है। तुम जो मर्जी स्टोन खोद लो यहाँ पे, उसके अंदर से डायनासोर की हड्डियाँ, अंडे, लिम्ब्स, कुछ भी निकल सकता है। तो मतलब ये पूरा रेवली एरिया जो है पूरा ग्रेवयार्ड है डायनासोर। दो तीन साल पहले भी अहमदाबाद आई थी ना, जब गुजरात आई थी तब मुझे गुजरात की बात बड़ी अच्छी लगती थी कि बाहर की कंपनीज के यहाँ पे चिप्स ही नहीं मिलते, ये इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। गोपाल नमकीन, रियल बाइट्स और पता नहीं क्या क्या, तो लेज आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, जो बड़ा देख के अच्छा लगता है, एकदम स्वदेशी वाली फीलिंग आती है। Every year, Gujarat becomes the host to a famed International Kite Festival, which is held during the Makar Sankranti week. तो स्वागत है सभी का उत्तरायण के इस मौके पर। मैं इस टाइम फेस्टिवल ग्राउंड में हूँ और थोड़ी देर में यहाँ पे काइट फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है। From 80 countries, people are participating and यहाँ पे अमेजिंग जो काइट्स बनी हुई है मैं देख रही हूँ, और बहुत आई डोंट नो आवाज़ आ रही है कि नहीं, बट अभी यहाँ पे 500 बच्चे ने योगा परफॉर्म करा था। इट्स गोइंग टू बी क्रेजी व्हेन द काइट्स आर गोइंग टू स्टार्ट फ्लाइंग। एवरी ईयर नो दिस इज आवर फर्स्ट ईयर, बट आवर टीम केम इन 2018। सो व्हाट इज दिस कंपटीशन अबाउट? काइट इज द काइट फेस्टिवल, सो इट्स
Is there any competition as well? It's not really competition, it's just people who are passionate about flying kites, we come together. The Nepalese paper, that is made by Nepalese paper. This is my dog, these both dogs are my dogs. फेस्टिवल और काइट फेस्टिवल के ख़त्म होने के बाद हम लोग अहमदाबाद से निकल पड़े थे. हमको 6 घंटा हो गया है. वी आर मूविंग टूवर्ड्स राजकोट. वहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे, वहाँ पे हम लोग एक म्यूज़ियम देखेंगे, उसके बाद हम लोग गिर जाएंगे. सो दैट्स द प्लान इन टोटल. इसको कहते हैं भुंगड़ा बटाका, आलू का सब्जी रहता है. अरे वाह, आज मेरी इतने सालों की ख्वाहिश पूरी होगी. मुझे फाफड़ा जलेबी खाने को मिले थे टाइम बाद. मैंने कॉलेज के साथ जब आई थी गुजरात, मैंने तब खाया था. ये रहा हमारा सफ़र का साथी. आई थिंक जल्दी से म्यूजियम पहुँचने वाले हैं. सात साल की उम्र में उनका परिवार पोरबंदर छोड़कर राजकोट स्विच हो गया था. The city gifted me this nightlight. This was the museum I was talking about. We are currently at Gandhiji's school, which is now converted to a museum. This is known as Alfred Museum. And here they have very neatly like renovated the building and made it into a museum where you can see all about the history of Gandhiji and his from birth to the movements he undertook in India. It's a very interesting place in Rajkot, and whenever you're going from Ahmedabad to Gir, the Rajkot comes in between, so you can drop down, get down here and have a look at this. जब एक moment होता है ना हर इंसान की life में कि वो आता है तो उसकी पूरी life बदल जाती है. So that was the moment in Gandhiji's life when he was going to Africa and he was thrown out of the railway because he belonged to India, and in Africa there was this racial discrimination on the basis of black and white skin color. So that was the moment that changed everything in his life. तो ये मैं सोचती हूँ कि ऐसा मोमेंट मेरी लाइफ में कब आएगा. टर्न माई होल लाइफ अपसाइड डाउन इन अ गुड वे. दो ये जगह 2015 तक के स्कूल में थी, उसके बाद ये 2015 के बाद इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया, और यहाँ पे एक और पास में स्कूल है लाल बहादुर शास्त्री स्कूल. सो वहाँ पे सारे बच्चे शिफ्ट हो गए. बट दिस बिल्डिंग इज़ नाउ वन हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस. राजकोट की खास बात यह है कि यहाँ के जो व्यापारी है मर्चेंट, चाहे वो कितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, 1 से 4 दुकान बंद मतलब बंद. चाहे आप करोड़ों का भी ऑर्डर लेकर क्यों ना आ जाए, यहाँ पर आपको निकाल ही दिया जाए. 1 से 4 राजकोट की कुत्ते भी सो जाता है.